दोस्तों, अगर आपको भी जो है कि कॉलेज ज्वाइन करना है और दिल्ली सीईटी का एंट्रेंस क्लियर करना है तो इन नंबरों पे जो है कि कॉल करके अपनी क्वेरी कर लीजिए, क्योंकि न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। मार्च में फॉर्म निकल जाएंगे और उससे पहले न्यू बैच क्रिएट हो जाता है, तो नया बैच ज्वाइन कीजिए। फीस नॉमिनियल है, यानी कि बहुत नाम मात्र की फ़ीस है। इन नंबरों पे कॉल कीजिए या फिर मुझे जो है कि व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप कांटेक्ट करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, और उसके बाद कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के बाद आप जो है कि कोर्स ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको जो है कि कुछ सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ, और पहली जो सक्सेस स्टोरी है वो है इन प्रदीप कुमार के बारे में। प्रदीप कुमार जो कि क्लास 10th पास आउट करने के बाद इन्होंने कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा पहुंचे ये दिल्ली सीईटी की प्रिपरेशन में। और दिल्ली सीईटी की प्रिपरेशन करने के बाद इन्होंने जो है कि डाइट मींस दिल्ली इंस्टीट्यूट्स ऑफ टूल इंजीनियरिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट्स ऑफ टूल इंजीनियरिंग से यानी डाइट से इन्होंने 4 साल का डिप्लोमा किया। अब याद रखिएगा, क्योंकि डाइट जो है स्पेशल कोर्स रन करता है टूल एंड डाई मेकिंग का, तो इसलिए इसमें 4 ईयर का कोर्स है। इनके कुछ थोड़े से रूल रेगुलेशन अलग हैं, बाकी सारे कोर्स जितने भी हों, चाहे वो सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, कंप्यूटर के हों, ऑटोमोबाइल के हों, ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो 3 ईयर्स के होते हैं, 3 ईयर्स के, ठीक है। तो 3 साल कोर्स करने के बाद आपको जानकर बड़ी ही रोचक बात लगेगी कि यहाँ पर दिल्ली में आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि दिल्ली में 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपको कॉलेज की प्लेसमेंट सेल प्लेस करवा देती है किसी अच्छे रेपुटेड कंपनी में। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्रदीप कुमार है हमारे, इन्होंने जो है कि 10th करने के बाद जो डिप्लोमा किया, उस डिप्लोमा के बाद इनको प्लेसमेंट मिली 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर मारुति सुजुकी में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मारुति सुजुकी का प्लांट है यहाँ पर बगल में गुड़गांव में। और गुड़गांव में जो है कि सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे हमारे जो है कि छात्र प्लेस हो चुके हैं। और वो मैं क्योंकि बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्या होता है कि छात्र विश्वास ही नहीं करते यार। आप जो है कि सर्च करिए इनके बारे में, फेसबुक पे भी देखिए, इनसे खुद भी प्रश्न पूछिए कि क्या सच में इनकी प्लेसमेंट है। और वहाँ पे आपको इन्होंने शायद कुछ फ़ोटो भी डाल रखी होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये अगली स्टोरी है हमारे सर्वेश कुमार की। सर्वेश कुमार भी, इन्होंने भी जो है कि टाइम वेस्ट नहीं किया, बस फ़र्क इतना है कि सर्वेश जी ने 12th करने के बाद डिप्लोमा ज्वाइन किया। और इन्होंने भी क्यों किया डिप्लोमा ज्वाइन, सुनिए ज़रा, बहुत ही रोचक कहानी है कि इन्होंने 12th साइंस से करने के बाद बीटेक के लिए जो है कि प्रिपरेशन की, और इधर उधर हर जगह हाथ चलाए पांव चलाए, अपनी पूरी हार्ड वर्क के साथ जो है डेडिकेशन के साथ इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर भी कहीं इनका नहीं हुआ। और क्योंकि इन्होंने डाइट यानी दिल्ली सीईटी का भी एग्ज़ाम दिया था, तो जब कहीं भी एडमिशन नहीं मिला तो दिल्ली सीईटी को जो है कि इन्होंने एज ए ऑप्शन चुना कि अब कोई चांस नहीं है, तो लास्ट चांस के तौर पे, लास्ट ऑप्शन के तौर पे उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया। और फिर भी ये जो है कि यही सोचते थे कि मैं अगले साल ट्राई मारूंगा, लेकिन जब वो कॉलेज गए, उन्होंने उस चीज़ों को देखा, प्रैक्टिकल किया, तो उनको इंटरेस्ट आने लग गया और वो वहाँ पर अच्छी पढ़ाई करने लग गए। और टेक्निकली यानी कि उन्होंने इतनी अच्छी स्किल एक्वायर की और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को, प्रोसेसर को जो है कि 3 साल में क्लियर किया कि ये कॉलेज के टॉप रहे, यानी कॉलेज में इन्होंने टॉप किया। और जब प्लेसमेंट सेल की बारी आई और जब कंपनियां आई, तो यकीन मानिए इन्होंने भी जो है कि मारुति में और हाई पे स्केल पे लगभग 40,000 पर मंथ के, यानी कि क्योंकि एनुअली मिलता है पैकेज, तो लगभग 40,000 के आसपास का इनको पैकेज मिला था। और इन्होंने उसके बाद मतलब मुझसे बोला कि सर, मैं सोच रहा था कि मैंने गलती की, मतलब डिप्लोमा करने चला गया मैं, अपने 4 साल मैंने बर्बाद किए। लेकिन इन्होंने बाद में मुझसे कहा कि सर, आज मैं जो है बहुत खुश हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैंने जो सही डिसीजन था वो लिया, भले वो लास्ट ऑप्शन के तौर पे था, लेकिन क्योंकि मुझे आज जॉब मिल गई है, मैं स्टेबल हो गया हूँ और बीटेक भी कर ली इन्होंने, अब तो मतलब काफ़ी साल हो गए, तो इन्होंने बीटेक भी कर लिया, 2016 में इन्होंने क्लियर कर दिया था, तो इस साल जो है कि इनका लास्ट था और जॉब कर रहे हैं मानेसर में, ठीक है, और अच्छे पैसे कमा।